हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय व्लॉग। तो आप देख सकते हैं दुबई का मौसम कितना ज़बरदस्त होता जा रहा है, लेकिन बहुत ही जल्दी ज़बरदस्त मौसम छोड़ के हम इंडिया जाने वाले हैं वहाँ का मौसम एंजॉय करने। तो बस मैं निकल गई हूँ शॉपिंग के लिए, हम सब निकले हैं इनफैक्ट एक साथ। तो आज जो है हम लोग डायसो आए हैं शॉपिंग करने के लिए, और मेरे ख्याल से ये हम लोग की लास्ट शॉपिंग है, और इसके बाद हम लोग शॉपिंग एकदम बंद कर देंगे और पैकिंग स्टार्ट करेंगे। और जब मैं शॉपिंग करने आती हूँ तो आरएस का फुल चार्ज पलक को दे देती हूँ, वही संभालती मालती है उसको, क्योंकि जो है बच्चों के साथ बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। जो काम जो है दो बार में हो सकता है वो बच्चों के साथ निकलो तो 10 बार में होता है। तो बस अब मैं यहाँ देखती हूँ, यहाँ डायसो में ना बहुत काम की छोटी छोटी बहुत अच्छी चीज़ें मिल जाती हैं, तो आप भी मेरे साथ इंजॉय करें। आरिस जो है वो इकलौता सिर्फ जैकेट में घूम रहा है, क्योंकि उसको जो है ना खांसी हो गई है, और इतनी बुरी तरह खांसी और मुझे टेंशन स्टार्ट हो गई। यहाँ मौसम में इसका ये हाल है, अब इंडिया जाएंगे तो पता नहीं क्या होगा। अच्छा मैं एक्चुअली यहाँ पे स्केटिंग शूज़ ढूंढ रही थी, लेकिन जो है मुझे स्केटिंग शूज़ बिल्कुल भी यहाँ कहीं दिख ही नहीं रही है। तो ऑनलाइन जो है हम लोग मंगवा लेंगे, और यहाँ पे सिर्फ हम लोग ने बस मास्क और सैनिटाइज़र और ये सब ले लिया है, क्योंकि अब जो है कोविड में हम लोग फर्स्ट टाइम ट्रैवल कर रहे हैं तो ये सब एक्स्ट्रा चीज़ें हो जाती हैं। उसके बाद जो है हम लोग शूज़ की शॉप में आए थे शूज़ देखने के लिए, अफ़ान और फलक का, इन लोगों का जूता छोटा हो गया था तो बस इन लोग के लिए शूज़ देख रहे हैं। और जैसे ही जो है शूज़ मुझे लग नहीं रहा है यहाँ पे कुछ मिल रहा है, क्योंकि जो है 3 डे वीकेंड सेल है ना, तो पूरी दुकान उल्टी पड़ी है, पब्लिक ने पूरी दुकान ही उलट दी है। एक शूज़ लंदन में मिल रहा है तो दूसरा शूज़ अफ्रीका में, तो इससे अच्छा जो है ऑनलाइन ऑर्डर कर देंगे, शाम तक घर भी आ जाएगा प्राइम डिलीवरी से। और फिर उसके बाद जो है हम लोग घर जाएंगे, क्योंकि जो है बच्चों का स्कूल है और मुझे टिफ़िन की सारी प्रिपरेशन भी करनी है। शाम में जो है वो बच्चों को थोड़ी भूख लग गई थी, तो आरिज ने मंचिंग के लिए पॉपकॉर्न ले लिया था, और अफ़ान जो है उसने पोटैटो रिंग्स ले लिया था, स्टिक में डाल के देते हैं ये, और बहुत ही मज़े का लगता है ये। और उसके बाद जो है हम लोग थोड़ा सा प्ले एरिया आ गए थे, बच्चों को थोड़ा सा गेम वेम खेलना था, तो ये जो है मॉल के अंदर ही फ़न सिटी है वहाँ आ गए थे। तो ये देखिए आरिस फुलटून चीटिंग कर रहा है, ऊपर खड़े होकर बास्केटबॉल खेल रहा है। आरिस को जो है वो जिताना बहुत ज़रूरी होता है गेम में, क्योंकि उसके बाद अगर वो जीतेगा नहीं तो वो जो है सबका जो है मूड ऑफ कर देता है। और मज़े की बात ये है ना कि मंडे के दिन जो है ये सारे राइड्स जो है इन लोग 1 दिरहम की कर देते हैं, कोई भी राइड खेलिए 1 दिरहम की रहती है। कम ऑन, एरिया ले आओ तो बच्चों का मन ही नहीं भरता है, आप खींच खींच के इन लोगों को घर ले जाना पड़ेगा। बस यहाँ हम लोग घर पहुँच गए थे, और घर पहुँचते ही फ़ौरन जो है मैं यहाँ खाना बनाने में लग गई थी, तो मैंने सोचा कि मैं पाव भाजी बना देती हूँ, तो वही जो है टिफ़िन में देने के लिए भी बहुत आसानी हो जाएगी। तो यहाँ पे मैंने जो है गोभी ली हूँ कॉलीफ्लावर, और कैरेट्स ली हूँ कुछ, और जो है आलू है और लौकी है इसमें कुछ पीसेस। वैसे मैं इसमें बैगन और बीन्स भी डालती हूँ, लेकिन अभी मेरे पास थी नहीं, तो बस मैंने यही सब ले सारी सब्ज़ियाँ जो है इसको वॉश करके मैंने कुकर में एक साथ इसको डाल दी। और यहाँ पर जो है ना एक बीट रूट मैंने जो है ये अंदर वॉश करके रखी थी, क्योंकि जैसे ही बीट रूट वॉश करते हैं उसका कलर निकलने लगता है, तो इसलिए मैं वॉश करके उसको जो है कुकर में ही रखती हूँ। और बीट रूट से ना बहुत ज़बरदस्त कलर आता है, और उसका फ़ायदा भी बहुत ज़्यादा है बीट रूट का। तो फिर एक ही मैंने ये लिया है, ये देखिए मेरा हाथ भी एकदम लाल लाल हो गया है बीट रूट से। तो बस इसके अंदर जो है मैं एक ग्लास पानी डाल दूँगी, और उसके बाद जो है हल्दी डाल दूँगी मैं आधा चम्मच, और आधा चम्मच काफ़ी होगी क्योंकि बहुत ज़्यादा है नहीं।
और नमक डाल दूंगी। और पाव भाजी मसाला जो है ना वो मैं इसमें स्टार्टिंग में बॉईल करने के वक्त भी डालती हूँ और बाद में मसाला भूनने के टाइम भी डालती हूँ। तो बस मैंने इसमें पाव भाजी मसाला डाल दिया है और उसको जो है एक सीटी के बाद 5 मिनट रखूँगी और उसके बाद बस हो जाएगा। तो यहाँ मैं मसाला जो है उसका भूनने के लिए खड़ी हो गई थी, तो उसको मैं देसी घी में बनाती हूँ। और देसी घी जैसी हो गया तो उसमें मैंने ज़ीरा डाल दी और वो क्रैकल हो गया तो मैंने बारीक कटी हुई प्याज डाल दी। और जैसे ही जो है प्याज अच्छी पिंक हो गई तो उसके बाद जो है इसके अंदर पड़ेगा जिंजर एंड गार्लिक पेस्ट 1 टेबलस्पून ईच, तो बस वो डाल दिया मैंने। और अब मैं जो है हल्दी डाल रही हूँ 1/2 चम्मच और उसके बाद कश्मीरी लाल मिर्च डालती हूँ मैं ताकि उससे कलर भी बहुत अच्छा है। और बस उसके बाद जो है टमाटर डाल दी मैंने। अब ये अच्छी तरह मज़ीद भूनेंगे हम लोग इसको। और यहाँ पे मेरी सब्ज़ियाँ भी देखिए हो गई थी और थोड़ा थोड़ा पानी जो इसमें बचा है वो मैं डिस्कार्ड नहीं करूँगी, इसमें जो है पूरा वेजिटेबल का टेस्ट आता है। तो इसको जो है अच्छी तरह हम लोग मैश कर लेंगे। बाकी सब्ज़ियाँ तो आसानी से मैश हो जाती हैं, बीट रूट को थोड़ा सा टाइम लगता है क्योंकि वो थोड़ा सा जो है हार्ड होता है, लेकिन वो भी अच्छी तरह हो गया है। बस मैश करके फिर इसके बाद जो है मैं आपको दिखाती हूँ कि इसका मसाला किस तरह रेडी हो गया है। तो यहाँ देखिए उसका मसाला पूरा रेडी है। अब जो है इसमें मैं पाव भाजी मसाला डालूंगी, जैसे कि मैंने पहले ही आपको बताया था कि मैं 2 बार डालती हूँ पाव भाजी मसाला, और एवरेस्ट का लेंगे तो वो बहुत बेस्ट होता है। अब जो है इसमें मैं शिमला मिर्च डालूंगी क्योंकि शिमला मिर्च ना वो थोड़ी सी खड़ी खड़ी अच्छी लगती है, वो अगर हम लोग कुकर में डालेंगे तो पूरी गल जाती है, इसलिए मैं शिमला मिर्च जो है लास्ट में डालती हूँ और जो है हरी मटर भी लास्ट में ही डालती हूँ। तो यहाँ थोड़ी सी मैंने हरी मटर ली हुई, बच्चों को बहुत ज़्यादा हरी मटर पसंद नहीं है। तो बस अब ये सारी सब्ज़ियाँ भून चुकी हैं और जो है इसके अंदर अब बारी आती है मैश्ड वेजिटेबल्स डालने की। तो ये कलर देखिए एकदम सुर्ख कलर है, कितना ज़बरदस्त है। और बस इससे आसान जो है खाना मुझे कोई लगता नहीं है और बहुत इजी भी लगता है मुझे कि दाल चावल रोटी बनाओ से अच्छा ये। तो ये सब्ज़ी हमारी जब तक थोड़ी सी पीछे भूनेगी, यहाँ पे जो है पाव सेक रहे हैं हम लोग। और ये पाव देख के ना मुझे एकदम बॉम्बे की याद आ गई, बॉम्बे में पाव भाजी हम लोग खाते थे रस्ते पर खड़े होकर मस्त एकदम। और ये देखिए थोड़ा सा बच्चों के लिए हम लोग ने सादा पाव जो है वो कर लिए थे, सेक लिए थे, और हम लोग जो है अपने लिए थोड़ा सा या पापरिका डाल दिए हैं और उसके ऊपर हम लोग ये पाव सेकेंगे मक्खन लगा के। तो मैंने सोचा आज क्यों ना इसको डिश आउट करके बिल्कुल ऐसी रेस्टोरेंट जिसमें जैसे मिलता है उसी तरह खाते हैं तो रेस्टोरेंट वाली फीलिंग आएगी, ऐसा लगेगा बॉम्बे में खा रहे हैं। तो बस यहाँ पे जो है मैंने उसको सेक्शन वाली ट्रे में निकाल दिया था। तो कैसी लगी आप लोगों को पाव भाजी, लाइक तो बनता है। अच्छा यहाँ पे शाम में जो है ना वो आ गया था, मैंने जो ऑनलाइन कुछ शॉपिंग करी थी सेंटर पॉइंट से तो वो आ गई थी यहाँ पे पार्सल, तो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि क्या आया है उसके अंदर। और ये इतनी अच्छी यहाँ पे एक चीज़ है ना, जैसे ऑर्डर करो तो 1 दिन 2 दिन में आ ही जाता है, कभी कभी तो शाम में ही मिल जाता है। तो यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने क्या मंगाई हूँ। और ये जो है कुछ पाउचेस हैं, ये पाउचेस जो है मैंने मंगवाई थी और ये भी जो है वीकेंड सेल में लगा हुआ था, बहुत अच्छा। और इसके ऊपर जो है ना ये रेनबो कलर के जो है ये प्लास्टिक्स लगे हुए हैं और मैंने ये 7 पीसेस मंगाए थे। और इसको आप मल्टीपर्पज़ यूज़ कर सकते हैं, जैसे एज अ स्टेशनरी बॉक्स भी यूज़ कर सकते हैं या फिर ज्वेलरी वुलरी रखने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। और एक ये ब्लू कलर में भी मैंने मंगवाई थी और इसकी क्वालिटी मतलब A1 है, इतनी ज़बरदस्त। और फिर यहाँ पे जो है मैं आपको बता रही थी शूज़ जो लेना था वो भी मैंने ऑनलाइन ही ऑर्डर कर दिया था, तो ये देखिए शूज़ भी आ गया है आरिस का। और ये शूज़ जो है ना बहुत अच्छा है, इसके इसमें लाइट जलती है तो बच्चों को ऐसी चीज़ें ज़्यादा अट्रैक्ट करती हैं। तो बस ये एक शूज़ मैंने ले लिया था, और क्योंकि इसके आरिस के मैंने इस टाइम 2 शूज़ लिए थे, एक स्कूल में जमा करना था और एक वो पहन रहा था, तो जो पहन रहा था वो छोटा हो गया था तो इसलिए ये वाला शूज़ लिए हैं। और इसके बाद जो है फलक का भी शूज़ छोटा हो गया था तो वो भी हम लोग ने ऑनलाइन ही मंगवा लिया था। इतनी ज़्यादा ज़िंदगी आसान हो गई है ऑनलाइन से, बस आप लोगों को पता होना चाहिए कौन सी ब्रांड में और कौन सी जो है जगह पे अच्छा मिल रहा है। तो फ्रेंड्स आज का वीडियो मैं यहीं एंड करती हूँ, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा और चैनल पे जो नहीं है वो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा क्योंकि आगे भी आप लोगों को बहुत सारी अच्छी अच्छी वीडियोज़ इसी तरह की मिलती रहेंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।